हे गाइस, हाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड मॉर्निंग। और अभी 6 AM बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाय रोड दूसरे स्टेट में, क्योंकि मेरी दीदी की ऑफिस खुल गई है। सो मैं आज का जो व्लॉग है वो मैं पूरा शेयर करूंगी। सो चलिए मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Happy Independence Day. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. So guys, हम लोग निकल चुके हैं एंड मेरी दीदी, सो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचते हैं। बहुत लंबा सफर है एंड मज़ा तो आ रहा है। मम्मी भी है हम सबके साथ। अम्मी हाय बोलो। हाय। सो या अच्छा तो लग रहा है। So let's get lost out here. No one else out here. गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि लॉकडाउन और पैंडेमिक में भी कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर किसी के फेस में भी मास्क नहीं है। यू कैन सी क्या कंडीशन है यहाँ की। अभी हम लोग हाफ वे हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा जाम है। और ये है मेरी दीदी का हॉस्टल जो कि ऑफिस कंपाउंड में ही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेरी दीदी की ऑफिस में और ये हॉस्टल है। ये मेरी दीदी का रूम है। तो अभी हम लोग फ्रेश होंगे, नहा धोकर कुछ खाएंगे, उसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं। ये हमारा लंच है और ये देखिए, ये है मेरे लिए खजाना। दीदी की कबर्ड तो हम सबके लिए खजाना ही है। सो देखिए कितना कुछ है। आई विल शो यू वंस। वाओ, मैं फ्रेश वगैरह होकर मैं फुर्सत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत कुछ है, मैं तो इनमें से कुछ तो लेकर जाऊंगी, स्पेशली द वर्साचे परफ्यूम। आई एम सो एक्साइटेड।
एक्साइटेड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे दीदी के पास जस्ट सी, ये बस हॉस्टल वाला है और ये सब दीदी ने परचेज किया है। मुझे तो मिलता है लेकिन दीदी ने ये सब परचेज किया है। मैं तो इनमें से हाफ ही खाली करके जाऊंगी पक्का। और ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, अभी हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। भैया वास्ट ए, क्या कर रही है तुम? I start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Used to rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. I'm ready. और मैं आप सभी को मेरे दीदी का ये रूम टूर देना चाहती हूँ। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मिरर है ये थोड़ा सा डर्टी है, यू नो, इतने दिनों से बंद था। ओके, सो ये बाथरूम एंड ऑल बेसिन एरिया है, एंड जो मेरे पीछे का जो दरवाजा है दैट्स द एंट्रेंस। ओके, सो एंटर करते ही दिस साइड, यहाँ पर मेरी दीदी ने ये कस्टमाइज किया है। और ये मेरी दीदी को राखी गिफ्ट मिला है अपने भाइयों की तरफ से। लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट। ओके, सो ये है मेरी दीदी का बेड। और बेड पर ये कौन है? ये है क्यूटी सा हाथी। और ये है मेरी दीदी। हाय। मेरे लिए खजाना है जो कि मेरी दीदी ही मेरे लिए ओपन करेगी। अभी खोल खोल। सच बताओ तो बॉर्डर में बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हुई है। मैं बहुत डर रही थी कि बॉर्डर में शायद बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी। वैसे तो हम लोगों का जो गाड़ी है उनके पेपर्स रेडी थे और सब कुछ रेडी था, लेकिन बहुत डर लग रहा था कि बॉर्डर में चेकिंग होगा, लेकिन बॉर्डर में कुछ भी चेकिंग नहीं हुआ। बॉर्डर कब चला गया पता ही नहीं चला। और बस अभी डिनर करना है एंड दैट्स इट। सुबह जल्दी निकलना है, बहुत टायर्ड हूँ तो सो जाऊँगी। सो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। अगर पार्ट टू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय, गुड नाइट।